राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ग्राम गवाड़ी में आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के अल्पसंख्यक के पूर्व जिलाध्यक्ष सलीम खत्री ने कहा कि 2011 से 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, जब पेट्रोल 70 से 73 रुपये और डीजल 60 से 63 रुपये के बीच में था। जब बीजेपी की सरकार ने पेट्रोल को 106 रुपये और डीजल को 95 रुपये पर ला खड़ा कर दिया है, जिससे आम आदमी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गरीब की मुसीबत बढ़ा दी गई है। इस दौरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक के पूर्व जिलाध्यक्ष सलीम खत्री, रमेश सोलंकी, कीर्तन खरते, हारून खान, कालू खरते और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी विजयसन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये डीजल पेट्रोल के बढ़ती दामों को लेकर क्या कहना है आपका? ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आह्वान किया है कि आज मध्य प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल का भाव जो बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल का बहुत भाव हो रहा है और जो कांग्रेस की सरकार में 11 और 12 और 13 में जो भाव था, डीजल 62 से 63 रुपये था और पेट्रोल 72 रुपये 73 रुपये था, आज जो इस समय में 106 रुपये पेट्रोल हो गया है, 95 रुपये डीजल हो गया, उसी के आंदोलन में हम आंदोलन कर रहे हैं, इसका भाव कम करा जाए। और हम जो ग्रामीण वाले थे, जो गवाड़ी से हमको सिंधवा जाने में पहले 20 से 25 रुपये का पेट्रोल लगता था, आज हमको 50 रुपये का लग रहा है। यही है कि आज 5 लोग हैं, आने वाले टाइम पे कभी काम भाव नहीं हुआ तो इसका 5,000 पब्लिक आके इसका विरोध करेगी और रोड भी जाम करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।